नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, फिलहाल श्रीलंका टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है और इस सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाना है। इस सीरीज में श्रीलंका टीम ने अब तक हुए दोनों ही मुकाबले गंवा दिए हैं और अगर आखिरी मुकाबला एक बार फिर से श्रीलंका टीम हारती है तो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो सीरीज में व्हाइट वॉश झेलना पड़ेगा। इस सीरीज के बाद श्रीलंका और भारत के बीच वनडे सीरीज और टी20 मुकाबले होने हैं। श्रीलंका का मुकाबला भारत की जूनियर टीम से होना है और इसे लेकर भारतीय क्रिकेटर्स और क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह साफ दिख रहा है। नीतीश राणा और चेतन सकेरिया जैसे शानदार क्रिकेटर्स इस दौरे पर डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच दौरे को लेकर एक बुरी खबर आई है। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा ने भारत के जूनियर टीम को श्रीलंका द्वारा होस्ट करना अपमानजनक बताया है और इस वजह से इस दौरे पर संकट घिरता हुआ नजर आ रहा है। और श्रीलंका और भारत के बीच मैच शुरू होने से पहले ही अर्जुन रणतुंगा ने इसे विवादों में ला खड़ा किया है। उम्मीद करेंगे कि इन बयानों के बावजूद शानदार टक्कर में कोई भी बदलाव ना आए। दूसरी तरफ भारत की महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होना है। यह तीसरा और आखिरी वनडे मैच होगा। इससे पहले हुए दोनों ही मुकाबले में भारतीय टीम हार चुकी है और ऐसे में अगर भारतीय टीम आज मुकाबले को गंवाती है तो इन्हें भी इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश झेलना पड़ेगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में आज वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवा टी20, जिसे फाइनल टी20 कह सकते हैं, खेला जाना है। रात के 11:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। फाइनल टी20 इसलिए क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच जो चार मुकाबले हुए हैं उसमें दोनों ही टीमें 2-2 की बराबरी पर है और आज के मुकाबले में वेस्टइंडीज या दक्षिण अफ्रीका जो भी टीम जीत दर्ज करेगी सीरीज भी उन्हीं के नाम होगा और ऐसे में इसे एक फाइनल टी20 कह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और साथ ही अर्जुन रणतुंगा के इस विवादित बयान के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।